इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है। याद होगा आपको, बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात साफ स्पष्ट शब्दों में कही थी मंच से कि जो गुस्सा जनता के मन में है वही गुस्सा हमारे मन में भी है और जवानों की शहादत बेजा नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन वो समय क्या होगा और कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा ये सेना अपने हिसाब से तय करेगी। सेना को हमारी तरफ से खुली छूट है। तो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरकार सेना ने वो कदम उठाया और सबक सिखाते हुए 10 विमानों ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। लेकिन अभी ये सूत्रों से खबर है, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। हालांकि अभी सोर्सेस से ये खबर है, इंतजार जरूर इस बात का करना होगा कि जैसे पिछली बार जब उरी हमला हुआ था और उसके बाद सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आती है। लेकिन ये खबर अपने आप में चर्चा में और सुर्खियां इसलिए बटोर रही है क्योंकि देखिए पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भी ये ट्वीट किया है कि LOC पार कर भारतीय वायुसेना के विमान दाखिल हुए और पाकिस्तानी सेना ने जब एक्शन लिया तो वापस लौट गए। कुछ ना कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा आक्रोश। उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था, अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। लेकिन पाकिस्तान अभी से ही डिनाइल मोड में चला गया। वो बोलते हैं कि 12 हवाई जहाज जो हिंदुस्तान के आए हमने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया और हिंदुस्तान के हवाई जहाज जो हैं अपना वेपन जो हैं प्रीमेच्योरली रिलीज करके भाग गए वापस। लेकिन जिस तरह की जवाबी कार्रवाई, टेररिस्ट कैंप पर हमला और ये घुस के अंदर हमला करना, क्या बताता है भारत की मंशा को? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टाइप किया था और कहते हैं हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आपका ये झूठा अनुमान है कि आप सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल है, इसके साथ पंगा मत लेना, अगर पंगा लोगे तो इसकी सजा आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। What's your reaction on 1,000 kg bomb were dropped on terror camp across the LOC and 12 Mirage, a 2,000 jet took part in operation? Mirage जो है बड़ा Mirage is a very very superb aircraft. 12 aircraft carrying 1,000 kg bombs must have devastated that entire area in totality. However, Pakistan has gone into a denial mode that Jaishe camps, terrorist camps must have been completely obliterated. I have no doubts on that. I am very sure that sooner than later the damage assessment report will also be released because 1 or 2 aircraft carry take photographs to indicate what is the quantum of damage that has been done. And once we release the damage assessment reports, Pakistan's conviction or statements that Indians withdrew after they scrambled their jets would be proven wrong. सुरक्षा विशेषज्ञ यहां पर ये कहते हुए कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर किसी को कोई शक और शुबह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से डिनायल हमेशा रहता है, इनकार हमेशा रहता है और जो ट्वीट आया उसमें भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना दाखिल हुई और उसके बाद क्योंकि जब पाकिस्तानी सेना ने विरोध दिखाया या एक्शन लिया तो विमान वापस लौट गए सामान गिराकर। लेकिन बड़ी जानकारी जो हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से, कई आतंकी कैंपों को तबाह किया गया है, जैश के कई लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया है। ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पनाह दे रखी थी, जंगल के ये इलाके, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें ध्वस्त कर दिया है। मंजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, देखिए पाकिस्तान की तरफ से बेशक एक ट्वीट जरूर आया है लेकिन उस ट्वीट में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने जब एक्शन लिया तो विमान वापस लौट गए, यानी वो जो डिनायल का मोड एक हमेशा पाकिस्तान की तरफ से रहता है वो इस ट्वीट में भी झलकता है जिसमें जो नुकसान और जो तबाही आतंकी ठिकानों की हुई है उसको लेकर कोई जिक्र और कोई बात नहीं है।
देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार पुलवामा अटैक के बाद ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार है और भारत के किसी भी इस तरह के हमले को नाकाम किया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान के जो और दूसरे ट्विटर हैंडल है उनकी तरफ से पिछले हफ्ते भी इस तरह की एक ट्वीट किया गया कि भारतीय सेना के वायुसेना के जहाजों ने इस पीओके के इलाके में घुसने की कोशिश की है। इसके अलावा खुद पाकिस्तान के जहाज भारतीय सीमा के आसपास देखे गए, तो ये कोशिश लगातार थी और इसकी उम्मीद की जा रही थी कि अगर भारत की तरफ से किसी तरह का हमला किया जाता है, किसी तरह की कार्रवाई की जाती है, तो पाकिस्तान उसको नकारने की कोशिश करेगा। एक जानकारी और मैं अपडेट करना चाहूंगा मीनाक्षी की, पहले हमने कहा था कि 10 मिराज विमानों ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक 12 मिराज 2000 विमानों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट के इलाके में और बड़े यानी कि 10,000 किलोग्राम तक के बम गिराए गए हैं इस इलाके में। मंजीत, ये एरियाज कौन कौन से रहे हैं जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी अभी आ रही है सामने? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, पाकिस्तान का जो बालाकोट का इलाका है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो कि कश्मीर से लगा इलाका है, वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि ज्यादा आतंकी कैंपों की सूचना जो जुटाई गई थी वो उस इलाके में थी, क्योंकि काफी जैसे मुजफ्फराबाद के इलाके की बात करें हम या दूसरे इलाकों की बात करें, वहां पर कोटली की बात करें, कई जगह से पाकिस्तान ने पिछले दिनों में पुलवामा आतंकी हमले के बाद कैंपों को हटाने की कार्रवाई को की थी। और भारत की कोशिश लगातार ये रही कि इन दिनों में ऐसे इलाकों को निशाना न बनाया जाए जहां पर आम सिविलियन आबादी है, आम आदमी रहते हैं, उन्हीं इलाकों को निशाना बनाया जाए जो कि जहां पर आतंकी कैंप है, जिससे कि जो आम आदमी है उनको नुकसान ना हो। ये कोशिश जरूर रही है और इस लिहाज से तमाम तैयारियां की गई थी, जानकारी जुटाई गई थी, और इसीलिए जो बालाकोट के इलाके में जहां पर जंगल के इलाकों में सेनाओं को जानकारी थी कि यहां पर आतंकी कैंप मौजूद हो सकते हैं, वहां पर ये कार्रवाई की है। और अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एक बड़ा मीनाक्षी एयर स्ट्राइक है, बड़ा हवाई हमला है, तो निश्चित तौर पर जो जान माल का नुकसान है वो बड़ा काफी भारी हुआ है वहां पर आतंकियों को, उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान को भी देनी होगी और भारत की तरफ से भारतीय सेनाओं की तरफ से भी जानकारी का जरूर इंतजार करना होगा। मंजीत, लौटती हूँ आपके पास। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।